तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का मलाई वाला हलवा। तो मैंने इसके लिए 250 ग्राम सूजी ली है, 2 चम्मच बेसन लिया है, ये कुछ बादाम लिए हैं इनको मैंने कट कर लिया है, ये किशमिश लिए हैं, और ये लिए हमने मलाई, ये पानी लिया है। तो इसमें हम घी की जगह घी के स्थान पे मलाई डालेंगे, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमने कढ़ाई ली, ऑन कर दी है इसको। अब इसमें हम ये सूजी डालेंगे। बेसन डाल दिया, अब इसको थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम मलाई डालेंगे। अब इसको ये ब्राउन होने तक इसको भूनते रहेंगे। अब ये ब्राउन होता जा रहा है धीरे धीरे, इसको 5 मिनट और ब्राउन करेंगे जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। देखो ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है, ये मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लिया है ताकि इसमें पानी डालने के बाद ये फिर अपना कलर छोड़ देता है। देखो इसमें ये पानी डाल दिया है, ये हमने इसमें पानी डाला। अब इसमें हम ये शक्कर डालेंगे, चीनी यूज नहीं करते, शक्कर यूज खानी चाहिए हमको, ये ऑर्गेनिक शक्कर है। ये हमने किशमिश डाल दी इसमें, बादाम। अब इसको हम तब तक या साइडों से घी निकलना शुरू नहीं हो जाए तब तक हम चलाते रखेंगे इसको। ये हम जितना चलाएंगे इसको उतना ही अच्छा बनेगा। देखो वैसे हमारा हलवा बनकर तैयार है, लेकिन इसको 2 मिनट और चलाना है, 2 मिनट और चलाएंगे। तो ये हमारा हलवा बनके तैयार है। बिल्कुल देखो इसके साइडों से घी लिया है, कितना अच्छा कलर आया है। इसमें थोड़ा येलो कलर इसलिए दिख रहा है येलो, क्योंकि हमने बेसन डाला है 2 चम्मच, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसको बाउल में डाल लेंगे। ये हमारा हलवा बन के तैयार है। देखो अब इस पर हम बादाम लगा देंगे, ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा हलवा बना है हमारा ये। आज संक्रांत है इसलिए मैंने सूजी का हलवा भी सबको सर्व करेंगे। तो आप कमेंट करके बताना हमारा हलवा कैसा बना।